दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख में दुख में पुकारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा, मेरी जिंदगी राम के नाम दे दो, मेरी जिंदगी राम को नाम ले दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग की हाल चाल जी, वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम, चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए। क्या तुम्हें क्या लग रहा है, ये रिकॉर्डिंग है, लाइव है ये लाइव? अरे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम इस टाइम हंस रहे हो, ठीक है नी। चलो आज मैं लाइव नहीं आ सका क्योंकि आज मेरी रेगुलर बैच के अंदर भी ना वाईफाई एक दो बार कट गया, तो मेरे को ये था कि ऐसा ना हो कि एक घंटे की हमारी क्लास होती है उसके अंदर अगर वाईफाई एक दो बार चला गया तो सारी क्लास का ना काम हो जाता है, तो मेरे को यह था कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, आप देख लेना। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपने, एक तो मैसेज नीचे कमेंट, जो तुम बिल्कुल ही करना भूल चुके हो, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम एक मिनट भी नहीं निकाल पाते अपने भाई के लिए, मतलब एक मिनट भी तुम्हारे पास नहीं है, और दूसरा फिर आपने लाइक करना है, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब आज वाली क्लास में ना हमें पेमेंट वाले चैप्टर की रिविजन करनी है। अब पेमेंट वाले चैप्टर की रिविजन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट इसके अंदर एक दो बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें रिवाइज करनी है, और इसका आज हमें क्वेश्चन भी क्लास में करेंगे। आईटीसी वाला सारा चैप्टर हमारा हो चुका है, आईटीसी वाले चैप्टर के हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, और फिर जब हम वैल्यूएशन वाला चैप्टर करेंगे ना, फिर आपस में इंटरलिंकिंग वाले भी क्वेश्चन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक बार फटाफट से रिविजन करवाता हूँ कि आईटीसी वाले पेमेंट वाले चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। पहले एक बात समझो कि पेमेंट वाले चैप्टर में ना आपके चार सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं, एक तो सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 50, 51 और 52, ये चार सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं। सेक्शन नंबर 49 किसका है, वो ये बात कहता है कि अगर आपको जीएसटी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, तो किस तरह से आप पेमेंट कर पाओगे, वो सारी की सारी बातें 49 में है। एक बात मेरे को बताना, जो हमने कल वाली क्लास में आईटीसी के चैप्टर की रिविजन कंप्लीट की है,
उस चैप्टर से तुम्हें क्या पता लगा जी? उस चैप्टर से आपको ये पता लगा कि जो भी हमने कोई भी सामान परचेस किया, उस परचेस पर जो भी हमने जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का आईटीसी अवेल कैसे कर पाऊंगा, वो सारी की सारी बातें उस चैप्टर से पता लगी। अब ये चैप्टर तुम्हें ये बताएगा कि अब जब तुम्हें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, तो पेमेंट करने के लिए जो भी तुम्हारा आईटीसी है उसको तुम यूज कैसे कर पाओगे। तो याद करो, आपको मैंने कहा था कि हमेशा एक बिजनेसमैन जो होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, उसके जीएसटी पोर्टल पे ना तीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक बार बताना, वो तीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करता है? एक तो मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, एक मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब ये तीन लेजर क्या होते हैं, किस लिए बनते हैं, वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 49 के अंदर हमें आज एक बार रिवाइज करनी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो मेरे को लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल वो जीएसटी की लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, पेनल्टी की लाइबिलिटी है, तो क्या इन लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए क्या मैं क्रेडिट लेजर यूज कर सकता हूं? और अगर क्रेडिट लेजर में यूज कर सकता हूं तो क्या वो हर लाइबिलिटी के लिए यूज कर पाऊंगा? और कैश लेजर का क्या रोल होता है, वो सारी बातें भी सेक्शन नंबर 49 के अंदर आज हमें रिवाइज करनी है। उसके बाद फिर अगर तुम जीएसटी की पेमेंट करने में डिले कर दोगे तो किस रेट से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, कितनी वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा, सारी बातें 50 की हैं। फिर टीडीएस, अब ये टीडीएस वो इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं है, इसमें छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है टीडीएस का। अब ये टीडीएस क्या क्या है 51 में देख लेंगे, और टीसीएस कलेक्शन की बातें क्या क्या है 52 में देख लेंगे। ये चार प्रोविजन हमें रिवाइज करने हैं, और एक साथ में एक और रूल हमें रिवाइज करना है, एक रूल नंबर 86 भी है, जहां पे आपका आईटीसी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो वो रूल नंबर 86 भी कौन सा है वो भी आज हम रिवाइज कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी हमें जीएसटी पे करना होता है, तो जीएसटी पे करने की ड्यू डेट क्या होती है? जीएसटी पे करने की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख। फिर अगर मान लो क्यूआरएमपी स्कीम ली है, तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या अगले क्वार्टर की 24 तारीख को हमें जीएसटी पे करना होता है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट क्या निकल कर, जब तक हम पिछली रिटर्न नहीं भरेंगे तब तक हम अगली रिटर्न नहीं भर सकते। ये आपको मैंने कहा भी था, आई थिंक अभी हमारा रिटर्न वाला चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ, आपको मैं रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर रिवाइज कराऊंगा कि अगर हमें अगली रिटर्न भरनी है तो पिछली रिटर्न भरना कंपलसरी है। मतलब अगर मैंने मान लो GSTR 1 इस महीने का नहीं भरा, मैं अगले महीने का GSTR 1 नहीं भर सकता। अगर मैंने GSTR 3 भी नहीं भरा, तो मैं अगले महीने का GSTR 1 नहीं भर पाऊंगा। मतलब अगर मैंने कोई भी कंप्लायंस पूरे नहीं किए होंगे, तो अगले कंप्लायंस में पूरे नहीं कर पाऊंगा, बस ये पर ध्यान देना। इसको हम डिस्कस करेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में। और फिर लिखा देखो, नो फर्दर रिटर्न विदाउट प्रीवियस, मतलब पिछली रिटर्न के बिना अगली रिटर्न आप नहीं भर सकते, बस ये बात ध्यान दो। आगे देखो, जनरेट पेमेंट चलान, अब जब तुम पेमेंट करोगे तो वहां पर पेमेंट चलाने की इशू होगा। पेमेंट चलान का मतलब क्या होता है? प्रूफ कि हाँ भाई तुमने पेमेंट कर दी है। तो पेमेंट चलान का फॉर्म नंबर क्या होता है? GST PMT 06, ये तुम्हारा फॉर्म नंबर निकल के आएगा, और 15 दिन तक के चलान वैलिड होता है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद फिर पेमेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं? या तुम पेमेंट करोगे क्रेडिट लेजर से, या तुम पेमेंट करोगे कैश लेजर से। अब कैश लेजर मतलब, आपको याद करो, मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी समझाया था, कैश लेजर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पेटीएम अकाउंट। अब तो वैसे पेटीएम का तो बुरा हाल चल रहा है, पेटीएम तो बंद ही हो गया, पेटीएम तो बंद ही हो गया, और मेरे ख्याल से पेटीएम में जो पैसे तुम्हारे पड़े हैं बस वही तुम यूज कर सकते हो, और आई थिंक पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे भी जमा नहीं हो रहे, तो उसको मैं ना पेटीएम की तरह नहीं बोलूंगा, या पेटीएम पहले तो आपने यूज किया होगा। तो पेटीएम में नॉर्मली क्या करते थे, तुम पैसे जमा करवाते थे, और जब तुम पेमेंट करते थे तुम्हारे वॉलेट से कट जाते थे। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल वॉलेट के अंदर 10,000 पड़े हैं, तुमने पेमेंट की 2,000, क्या 8,000 तुम्हारे पेटीएम वॉलेट के अंदर पड़े होते थे? आंसर इज यस, वही सेम कैश लेजर है। गवर्नमेंट कह रही है कैश लेजर में तुम्हारे पास पैसे जमा करवाने के मल्टीपल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी जो बन रही है ना, वो जीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है 1,00,000 की, और मेरे क्रेडिट लेजर में क्रेडिट पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 70,000 का। अब मेरी लाइबिलिटी बन रही है 1,000 की, 70,000 का फॉर एग्जाम्पल मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है, तो 30,000 की जो मेरे को पेमेंट करनी होगी वो कहां से करनी होगी? कैश लेजर। अब गवर्नमेंट कह रही है कैश लेजर में ना पैसे जमा करवाने के मल्टीपल तरीके हैं। कैसे? देखो तू नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, इनमें से किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो कैश लेजर में, और फिर तुम्हारी पेमेंट जो होगी वो कैश लेजर से होगी। मतलब डायरेक्टली तुम पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट जो करनी पड़ेगी वो कैश लेजर से ही करनी पड़ेगी। मतलब पैसा पहले जमा होगा कैश लेजर में, फिर वहां से पेमेंट होगी, बस ये पर ध्यान दो। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। फिर अगर तुम्हें ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है, मतलब अगर तुम्हें बैंक में रहकर पेमेंट करनी है, तो 10,000 तक की पेमेंट जो है वो ओवर द काउंटर तुम कर सकते हो।
उसके बाद अब ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऑल द टैक्स पेयर विल गेट 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर, नेमली मतलब हर पर्सन को ना 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर अपने जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन करने होते हैं। अब वो 3 लेजर कौन कौन से मेंटेन करने हैं, एक तो मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, एक मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लाइबिलिटी लेजर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल देनदारी होती है, सर बहुत ध्यान से सुन लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको गलती से भी ना रिकॉर्डेड मत समझ लेना, सारा का सारा चैप्टर गायब हो जाएगा, ठीक है जी। और मुझे पता है आधे बच्चे उसको देखेंगे नहीं और फिर कल आके मुझसे पूछेंगे कि क्या कल सर की क्लास हुई थी, फिर बोलूंगा रिकॉर्डेड डाली थी, उनको पता ही नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से देख लेना बस। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो लाइबिलिटी लेजर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की टोटल देनदारी होती है ना, वो सारी की सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर होती है। जैसे मान लो तुम्हें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, तुम्हें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, ये जो भी तुम्हारी देनदारी निकल के आ रही है सारी की सारी कहाँ पे होगी, लाइबिलिटी लेजर के अंदर होगी। फिर क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है, जितनी भी तुम्हारी गवर्नमेंट के प्रति लेनदारी है, जो तुम्हें गवर्नमेंट से पैसा लेना है, वो सारा किसके अंदर होगा, क्रेडिट लेजर के अंदर। और जब लाइबिलिटी में से क्रेडिट माइनस कर दोगे तो नेट पेमेंट जो होगी वो कैश लेजर के अंदर जाएगी, फिर हमारा तीसरा कैश लेजर होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब एक बिजनेसमैन को 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एक तो लाइबिलिटी लेजर मेंटेन करना है, एक क्रेडिट लेजर मेंटेन करना है और एक कैश लेजर मेंटेन करना है। लाइबिलिटी मतलब टोटल देनदारी, क्रेडिट मतलब जो मुझे पैसा गवर्नमेंट से लेना है, और लाइबिलिटी माइनस में क्रेडिट जो मेरा नेट बचेगा वो मेरा कैश होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहाँ पे चेक करो ये 3 लेजर कैसे कैसे काम करती हैं, एक बार फटाफट से यहाँ पे देखो जी। देखो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिखा है और इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कैश लेजर लिखा हुआ है जी। एक बार आप चेक करना लाइबिलिटी। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जब तुम्हारे बैंक में पैसे जमा होते हैं तुम्हारे पास मैसेज क्या आता है, सारे बच्चे मुझे आंसर दो, जब तुम्हारे बैंक में पैसे जमा होते हैं तुम्हारे पास मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू अमाउंट एक्स रुपीज, मतलब जो भी पैसे जमा होते होंगे वो मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फ्रॉम रुपीज 7000, इस तरह से। और जब तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटते हैं तो मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद रुपीज 7000 8000, जो भी पैसा होता होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास डेबिट वाला मैसेज आता होगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब क्रेडिट लेजर जो है ना और कैश लेजर जो है ये एक तरह की तुम्हारी एसेट है। जब एक तरह की तुम्हारी एसेट है, जब पैसा क्रेडिट लेजर में जाता होगा तो क्रेडिट जो होगा वो बढ़ जाता होगा, जब बढ़ जाता होगा तो क्रेडिट लेजर मेरा क्या हो जाता होगा, क्रेडिट मतलब मेरी बुक्स में एंट्री, मेरी बुक्स में एंट्री पास होती होगी, क्रेडिट लेजर मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही मेरा क्रेडिट बढ़ा इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट से पैसा लेना है। ये मान लो सेम बैंक अकाउंट की तरह है, सेम बैंक अकाउंट की तरह है, अगर तुम्हें उनसे पैसा लेना है, अगर मतलब तुम फॉर एग्जांपल तुमने पैसा लेना है तो क्रेडिट लेजर में तुम्हारा एक क्रेडिट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट की बात करें इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जब इसमें से पैसा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ITC availed या डिपॉजिट कराओगे इसके अंदर तो क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फिर अगर तुम आईटी से यूज करोगे या तुम पेमेंट करोगे तो फिर वो क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब पैसा कम होने से वो डेबिट होगा, पैसा बढ़ने से वो क्रेडिट होगा, सेम जो तुम्हारे बैंक में पैसा आता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं लाइबिलिटी लेजर। अब लाइबिलिटी इसके रिवर्स है, अगर लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी मतलब बुकिंग ऑफ लाइबिलिटी तो क्या होगी, डेबिट, और अगर लाइबिलिटी तुम्हारी कम होगी तो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है डेबिट क्रेडिट वाला, वहां पे गलती करके आओगे, और ये एमसीक्यूज के अंदर भी बन चुका है, ये नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकता है, ये बात ध्यान देना, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। एक बार दोबारा से बोलूंगा, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक में पैसे आते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, ठीक है, आपके बैंक से पैसे निकलते हैं मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, सेम तुम्हारा क्रेडिट लेजर है, सेम तुम्हारा कैश लेजर है। अगर इनमें पैसा आएगा तो तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, तो एंट्री एंट्री के पास होगी, मतलब मैसेज क्या आएगा, योर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड या योर कैश लेजर हैज बीन क्रेडिटेड। फिर जब उसमें से पैसा निकलेगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो फिर वो क्या होगा जी, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब फिर क्रेडिट लेजर और कैश लेजर क्या हो जाएगा, डेबिट। लाइबिलिटी उसके रिवर्स है, अगर लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, कम होगी तो वो क्रेडिट होगी। ये पहले पॉइंट तो समझो जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब लाइबिलिटी लेजर देखो जी, अब लाइबिलिटी लेजर में सारी के सारी लाइबिलिटी निकल के आ रही है, जो आपका सेल्फ असेस लाइबिलिटी है या जो डिपार्टमेंट ने निकाली है या जो पोर्टल पे क्रिएट हुई है या जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट है जो टाइम टू टाइम अराइज हो रहा है, मतलब जितनी भी तुम्हारी टोटल देनदारी है ना वो सारी की सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर है, बस ये पर ध्यान दो।
तो सिंपल सी बात ये निकल करे, चाहे वो जीएसटी है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाला है, रिवर्स चार्ज वाला है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, वट एवर, जो तुम्हें टोटल पैसा गवर्नमेंट को देना है वो सारा इस लेजर के अंदर होगा, बस ये पर ध्यान दो। अगला पॉइंट देखो जी, अब ऑर्डर क्या है डिस्चार्ज करने का, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो मेरे को लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने का ऑर्डर क्या निकल के आता है। तो गवर्नमेंट कह रही सबसे पहले देखो लाइबिलिटी पे करनी है प्रीवियस टैक्स पीरियड की, मतलब पिछली लाइबिलिटी पे करनी है। फिर अगला जो करंट टैक्स पीरियड है, मतलब जो करंट वाला है, फिर उसकी लाइबिलिटी पे करनी है। फिर लास्ट में अगर कोई पैसा डिपार्टमेंट ने निकाला फिर वो तेको पे करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात सुन में आ रही है? हेलो ओए ओए ओ भाई साहब, सीधो के बैठो, सीधो के बैठो, नहीं लेट की क्लास देखने का कोई मतलब बनता है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कोई मतलब बनता है लेट की क्लास देखने का? तो फिर मतलब हद है यार तुम्हारी यार। इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितनी भी तुम्हारी टोटल देनदारी है, जितनी भी तुम्हारी टोटल देनदारी है वो सारी के सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर होंगी। और फिर गवर्नमेंट कह रही है कि लाइबिलिटी पेमेंट कैसे करनी है, पहले प्रीवियस वाली पे करनी है, फिर करंट वाली पे करनी है, फिर अगर कोई डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया फिर वो पे करनी है, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आओ क्रेडिट लेजर, अब यहाँ पे क्रेडिट लेजर में गवर्नमेंट क्या कह रही है देखो यहाँ पर, अब क्रेडिट लेजर में जितना भी तुम्हारा टोटल आईटीसी बनता होगा वो सारा का सारा इस लेजर के अंदर आएगा। अब क्रेडिट लेजर का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि जो भी हमें जीएसटी पे करना है, अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ, एक बात मेरे को बताओ, इधर देखो ध्यान से भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट यहाँ पे देख लेना, अगर 5 मिनट देख लोगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, एक पर्सन की ना मान लो जीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आ रही है, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए की, और ये 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज की है। फिर इस पर्सन को 2 लाख रुपए जीएसटी और पे करना है, बट ये आरसीएम वाला है, मतलब ये आरसीएम वाला है, इसने कोई सप्लाई ली होगी, उस पर सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर जीएसटी पे करेगा, और ये रिसीवर है तो आरसीएम वाला 2 लाख का जीएसटी पे करना है और 4 लाख वाला फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी पे करना है। फिर इसको इंटरेस्ट भी यहां पर पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का, इसने कोई पेमेंट में डिले विले कर दिया होगा, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट भी है। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पेनल्टी भी एप्लीकेबल कर दी है, पेनल्टी एप्लीकेबल कर दी है 20,000 रुपए की। अब मुद्दा ये निकल क्या रहा है, इसके क्रेडिट लेजर में ना, इसके क्रेडिट लेजर में फॉर एग्जाम्पल बैलेंस पड़ा हुआ है 7 लाख रुपए का। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि इसको नेट कैश लेजर से कितना पे करना होगा, तो मैं 90% कह रहा हूं, तुम गारंटी 90% तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, आधा बच्चा गलती करके अगर इसने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो पता क्या बोलेगा, 4 लाख ये देने हैं, 6 लाख ये देने हैं, 4 और 6 6.5 और 6,70,000, तो 6,70,000 में मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 7 लाख मुझे लेने हैं, तो सारा मेरा यूज हो जाएगा, बल्कि 30,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट से और लेने होंगे। ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो आप। अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। याद करो मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि आपको मैंने कहा था क्रेडिट जो है, क्रेडिट क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है, हम पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे और कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। मतलब क्रेडिट हम यूज करेंगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, हम पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे, हम और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, हम पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर यूज करेंगे, पवित्र वस्तु का मतलब होता है ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी, और इंटरेस्ट पेनल्टी तो छोड़ ही दो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर भाई साहब मेरे को लेने 7 लाख हैं, बट ये 7 लाख से मैं 4 लाख ही यूज कर पाऊंगा, ये 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2,70,000 रुपए मुझे कैश लेजर से ही पे करने होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ये बात आपकी वहां पे लिखी हुई जो मैं आप तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पर्पस क्या है, तो पर्पस ये है ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाला, सिर्फ आप फॉरवर्ड चार्ज वाला पे कर पाओगे। देखो आरसीएम वाला आप यहां से पे नहीं कर सकते, और जो भी आपकी अदर ड्यूज है, चाहे वो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो भी आप यहां से पे नहीं कर सकते, वो कैश लेजर से ही पे होंगे, वो क्रेडिट लेजर से पे नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो।
अब तुम्हें क्रेडिट यूज कैसे करने हैं ये बातें हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, याद करो स्टार्टिंग वाली क्लास का आपको मैं बता चुका हूं। अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है कैसे यूज करूंगा, पहले आईजीएसटी फिर अगर बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशियो। फिर सीजीएसटी कैसे यूज करूंगा, पहले सीजीएसटी और देन करूंगा आईजीएसटी। फिर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैसे यूज करूंगा, पहले करूंगा एसजीएसटी और फिर करूंगा आईजीएसटी। अब मुद्दा ही निकल कर यूज कैसे करूंगा वो तो मुझे पता है, बट ऑर्डर क्या होगा, यूज कैसे करूंगा वो तो मुझे पता है बट ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर तो गवर्नमेंट कहते हैं सबसे पहले हत्या करोगे आईजीएसटी की, फिर हत्या करोगे सीजीएसटी की, फिर हत्या करोगे एसजीएसटी की। ये तुम्हारा ऑर्डर निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले हत्या करनी है आईजीएसटी, फिर हत्या करनी है सीजीएसटी और फिर हत्या करनी है एसजीएसटी। ये तुम्हारा ऑर्डर निकल के आ रहा है, ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर ना एक पॉइंट मुझे आपको ना और करवाना है, अब यहाँ पे और क्या करवाना है, एक सेकंड रुकना मैं वो नोट्स एक बार डाउनलोड कर लूँ। हमारा एक रूल है रूल नंबर 86B, अब वो इससे रिलेटेड है तो एक बार इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 86B हमारा क्या कहता है जी, लो जी एक बार अब यहाँ पे चेक करना, एक मिनट रुको ये क्या हो गया। हाँ जी अब एक बार अच्छा लो जी एक बार यहां पे चेक करना, ये देखो जी आपका रूल नंबर 86B है। अब सुनो ध्यान से रूल नंबर 86B क्या है, एक बार पहले समझ लो फिर तुम्हें रूल नंबर 86B समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब हुआ क्या, एक बात मेरे को बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मेरे पास ना क्रेडिट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 लाख रुपए का, बहुत ध्यान सुना, 20 लाख रुपए का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है और मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है और ये फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी पे करना है, फॉर एग्जांपल मान लो 22 लाख रुपए या 22 लाख की बजाय मान लेते हैं मुझे जो जीएसटी पे करना है ना वो जीएसटी पे करना है वो 18 लाख रुपए का जीएसटी पे करना है फॉरवर्ड चार्ज वाला। पहले बच्चा मुझे आंसर देगा सामने जिसको नींद आ रही है, हेलो भाई साहब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं इधर। अब एक बात मैं देखो, अगर मेरे को 18,000 रुपए का फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी पे करना है 18 लाख रुपए का और 20 लाख मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं सारा का सारा यूज कर सकता हूं? यस, मैंने क्या बोला, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर यूज करेंगे। पवित्र वस्तु का मतलब होता है कि भैया अपना फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी वहां पे यूज कर लोगे, आरसीएम में यूज नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट पेनल्टी में यूज नहीं कर पाओगे, मतलब ये 20 लाख रुपए तुम 18 लाख की जगह पर यूज कर सकते हो। बट अब एक रूल नंबर 86B जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर उसकी मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, पहली बात तो समझ लो ये रूल एप्लीकेबल तब होगा अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होगी, मंथ की, साल की नहीं मंथ की, मतलब अगर मंथ की टर्नओवर 50 लाख तक है तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, जो तुमने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर मान लो इस बिजनेसमैन की टर्नओवर ना मंथ की 50 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट ने कहा अगर जिसकी टर्नओवर मंथ की 50 लाख से ऊपर है, क्रेडिट उसके पास बचा हुआ है, पेमेंट उसकी कम है, वैसे तो वो सारा यूज कर सकता है, बट अगर किसी की मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं कि वो 99% अपना आईटीसी यूज कर पाएगा, 1% उसको पेमेंट कैश में करनी ही पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। मतलब 1% कैश लेजर यूज करना पड़ेगा, 99% वो आईटीसी यूज करेगा, कब, अगर उसकी मंथली टर्नओवर जो है 50 लाख से ऊपर है और ये टर्नओवर में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर काउंट करनी है, एग्जम्प्टेड टर्नओवर हमें यहां पे काउंट नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। तो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में दिया होता है कि मंथली टर्नओवर 60 लाख रुपए है, आईटीसी बड़ा 20 लाख रुपए और यहां पे 18 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए ध्यान रखना, अब 20 लाख रुपए का 99% मतलब 19,80,000, तो मतलब 1% तुम्हें कैश में देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 1% तुम्हें कैश में देना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अब यहां पे 18 लाख रुपए है तो 18 लाख का 90% अगर आप देखोगे 18 लाख रुपए का 99% देखोगे तो भाई साहब 17,82,000 पे हम आईटीसी यूज कर सकते हैं और जो मेरा बैलेंस बचेगा मेरे ख्याल से 8,000 बैलेंस बचेगा, 18 लाख में से माइनस कर दो ये बचेगा 18,000, तो 18,000 मुझे कैश लेजर से पे करने पड़ेंगे। ये बात रूल नंबर 86B के अंदर लिखी है, बट रूल नंबर 86B के ना कुछ एक्सेप्शन भी है,
जहां पे रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और जहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे तुम सारा आईटीसी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली बात, एप्लीकेबिलिटी तब होगी अगर तुम्हारी मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, और दूसरा अगर तुम उन एक्सेप्शन में कवर नहीं हो तो 99% तुम पेमेंट करने के लिए आईटीसी यूज कर सकते हो, 1% तुम्हें कैश लेजर यूज करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो जी, अब मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूं जी, यहां पे चेक करो क्या लिखा है। रूल नंबर देखो यहां पे क्या लिखा है, अब ध्यान से पढ़ना जी। बिलो मेंशन आर द एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, क्या है? रूल एप्लीकेबल टू जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन विद मोर देन 50 लाख टैक्सेबल वैल्यू गुड्स इन ए मंथ, द टैक्सेबल टर्नओवर विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब इसमें एग्जम्प्टेड नहीं लेनी और जीरो रेटेड भी यहां से बाहर निकाल रखी है, जबकि जीरो रेटेड होती, ध्यान रखना, जीरो रेटेड होती टैक्सेबल है, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड, बट गवर्नमेंट कह रही इसके लिए नहीं मानेंगे। मतलब इसके लिए सिर्फ हम टैक्सेबल सप्लाई लेके चलेंगे, एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई हम बाहर निकाल के चलेंगे। आगे देखो, ए पर्सन शुड चेक द वैल्यू ऑफ देयर गुड्स ईच मंथ वाइल फाइलिंग देयर जीएसटी रिटर्न। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल टर्नओवर कैसे निकालेंगे, टोटल टर्नओवर माइनस में जीरो रेटेड प्लस में एग्जम्प्टेड, मतलब इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। अब देखो रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये निकल के आ रहा है, इट लिमिट द यूज ऑफ आईटीसी, वो लिमिट लगा रहा है आईटीसी पर इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्जिंग ओटीएल, ओटीएल मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब कह रहे हैं If the registered person has a turnover more than 50 lakh in a month, they can only pay 99% of their output tax liability with their ITC. मतलब अपनी liability का वो 99% payment करेंगे ITC से, और 1% जो देखो remaining 1% of the output tax will be paid in cash, वो cash में देना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो जो, बस इतना सा रूल नंबर 86B है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर बन सकता है। बस छोटी सी बात ध्यान देना, पहली बात मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो अगर जितना भी तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा उसका 99% निकाल लो, 99 तुम यूज कर पाओगे आईटीसी से, 1% मैंडेटरी है तुम्हें कैश में देना ही होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब रूल नंबर 86 भी कहां कहां नहीं लग रहा, पहला, एनी पर्सन मेंशन इन द लिस्ट बिलो हु हैज पेड एनुअल इनकम टैक्स ग्रेटर देन INR 1 लाख रुपी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रूल। लो जी काम ही खत्म। मतलब अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट में 1 लाख से ऊपर, तो रूल नंबर 86 भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। मैं अपनी बात करता हूं, अब मैं 1 लाख रुपए से ऊपर का इनकम टैक्स पे करता हूं तो ये 99% वाला रूल मेरे ऊपर नहीं है, और वैसे भी मेरी मंथली सेल ऑब्वियस बात है 50 लाख से कम ही होती है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी मंथली सेल 50 लाख से ऊपर होती और मैं इनकम टैक्स 1 लाख से ऊपर पे कर रहा हूं तो मैं सारा का सारा आईटीसी यूज कर सकता था, क्योंकि 1 लाख से अगर मैं ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहा हूं तो गवर्नमेंट कह रही हम तुझे एक्सेप्शन में डाल रहे हैं, तेरे ऊपर रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप या करता ऑफ एचईएफ या मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या प्रोपराइटर, इसमें से कोई भी इनकम टैक्स अगर 1 लाख से ऊपर पे कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर If a registered person has received a refund, अगर तुम्हें रिफंड मिल रहा है 1 लाख या उससे ऊपर का इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर तुम्हें रिफंड मिला है पिछले साल 1 लाख या उससे ऊपर, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर गवर्नमेंट ने तुम्हें रिफंड अलाउड कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने तुम्हें रिफंड अलाउड कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तुम सारा आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है गबा सर सच्ची बताऊं ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये रूल गवर्नमेंट लेकर क्यों आई है? देखो सिंपल सी बात है, ये समझो ये रूल गवर्नमेंट ने इसलिए लेकर आई है कि गवर्नमेंट ना एक बार चेकिंग करना चाह रही है सप्लायर की और रिसीवर की, क्या दोनों बंदे सही है। भाई गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारी मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है तो हमें ना कोई घपला लग रहा है, एक बार हम चेकिंग करना चाह रहे हैं, तो 99 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 1% कैश। अब जब तुम 1 कैश में पे करोगे तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, अब जैसे रिकॉर्ड आएगा हम चेकिंग कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की इंटेंशन ही है, बट गवर्नमेंट के अगर तुम इसमें कवर हो जाते हो, अब गवर्नमेंट ने तुम पिछले साल रिफंड दिया था 1 लाख के ऊपर, जब गवर्नमेंट तुम्हें रिफंड दे रही है तो गवर्नमेंट के हम मानेंगे तुम जेन्युइन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस केस के अंदर तुम आईटीसी पूरा क्लेम कर लो, 99% वाला आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद When a registered person in question has paid his output tax liability using the electronic cash ledger of an amount that is more than 1% collectively of the entire of the OTL on the person in given month, कह रहे हैं अगर आप already month में 1% या उससे ऊपर already cash ledger से pay कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अगर आप already month में 1% या उससे ऊपर कैश लेजर से पेमेंट कर रहे हो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की, फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात समझो, पहली बात क्या क्या गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई साहब एक इस पे नहीं लगेगा। पहली बात ये होता क्या है, अगर तुम्हारी मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारे आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, माना तुम्हारे पास आईटीसी पूरा पड़ा है
बट हम तुम्हें पूरा यूज करने देंगे नहीं, हम 99% यूज करने के लिए देंगे, 1% तुम्हें कैश में करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी मंथली, मैं दोबारा बोलूंगा एनुअली नहीं, मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल पूरा ITC यूज कर लो। अगर तुम्हारी मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है तो 99 और 1 की रेशियो है, बट हम ये रेशियो अप्लीकेबल नहीं करेंगे, तुम सारा ITC यूज कर सकते हो अगर तुम इन तीन में से एक केस में कवर हो रहे हो। पहला केस क्या निकल के आ रहा है, अगर तुम इनकम टैक्स पे करो इनकम टैक्स एक्ट में 1 लाख से ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम रूल नंबर 86B से बाहर हो। दूसरा गवर्नमेंट ने फिर बोला है कि अगर तुम्हें रिफंड मिला था पिछले साल 1 लाख या उससे ऊपर का, तुम इस रूल से बाहर हो। फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम ऑलरेडी 1% या उससे ज्यादा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैश लेजर से पे कर रहे हो फिर भी तुम इससे बाहर हो, क्योंकि हमें 1% चाहिए, वो ऑलरेडी तुम पे कर रहे हो, फिर रूल नंबर 86B एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं, अच्छी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने कहा उस केस में रिस्ट्रिक्शन है अगर तुम्हारी मंथली सेल जो है 50 लाख से ऊपर है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद देखो कैश लेजर, अब कैश लेजर में सिंपल सी बात है, कैश लेजर चाहे तुम्हें टैक्स पे करने हो चाहे तुम्हें अदर ड्यूज पे करने हो, तुम कैश लेजर से पे कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एक ध्यान रखना, कैश लेजर में गवर्नमेंट कह रही है कि अब इजिली फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आपको मैं थोड़ा याद करवाता हूँ, याद करो आपको मैंने कहा था क्लास के अंदर, रेगुलर बैच के अंदर, कि तुम्हारे कैश लेजर में दो हेड होते हैं, एक तो मेजर हेड होता है और एक माइनर हेड होता है। मेजर हेड का मतलब क्या होता है, IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस हो गया। माइनर हेड का मतलब IGST का टैक्स कितना बनता है, IGST का इंटरेस्ट कितना बनता है, पेनल्टी कितनी बनती है, सेस कितना बनता है, अदर कितने बनते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुन मेरी बात, अब गवर्नमेंट कह रही है पहले क्या था, पहले याद करो रेगुलर बैच मैंने कहा था कैश लेजर में ना अगर तुम्हें IGST का टैक्स पे करना है और यहां पर बैलेंस नहीं बचा तुम्हारे पोर्टल पे, तुम्हें जमा करवाना पड़ता था। बट अब गवर्नमेंट कह रही है अगर इसकी पेमेंट करनी है और बैलेंस तेरा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी बैलेंस बचा है ना, उसको तू आपस में कैसे भी करके कैश लेजर में सेट ऑफ कर ले। अब कैश लेजर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि तेरा उसमें बैलेंस होना चाहिए, कहीं इधर उधर बैलेंस पड़ा है उसको तो आपस में सेट ऑफ कर सकता है। इवन CGST का टैक्स तू SGST के अंदर भी कर सकता है, वो क्रेडिट लेजर में नहीं कर सकता, कैश में अलाउड है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कैश लेजर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कैश लेजर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जैसे मर्जी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन आपको मैंने एक अमेंडमेंट भी कराई थी, अगर मान लो सेम पेन में दो ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है वो वाला ऑफिस है, तो मैं अपने दूसरे वाले ऑफिस का कैश लेजर का बैलेंस भी मैं इस वाले ऑफिस में ट्रांसफर करके यूज कर सकता हूं। ये बात भी हमने रेगुलर बैच में डिस्कस की थी। तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या कैश लेजर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यस। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कैश लेजर में अलग अलग बैलेंस दिया होगा, तुम्हें बोलेंगे IGST का टैक्स पे करना है 40,000 का और इसमें बैलेंस पड़ा है बस 20, और फिर वो बोलेंगे CGST के टैक्स के अंदर बैलेंस पड़े 10, और वो बोलेंगे SGST के पेनल्टी के अंदर बैलेंस पड़े 10, क्या ये 10 और ये 10 तुम यूज कर सकते हो? आंसर इज यस, ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत वाली, एक फॉर्म भरना है बस, GST PMT 09, जैसे ही फॉर्म भरोगे फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात सुन में आ रही है? तो ये बात है कैश लेजर की यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। अब एक बार चेक करो फॉर्म नंबर कौन कौन से हैं, लाइबिलिटी लेजर के लिए फॉर्म नंबर GST PMT 01, क्रेडिट के लिए 02 है और कैश के लिए 05 है। याद करो 06 में चलान जाता है, 06 में क्या होता है, चलान। फिर अब ये डेबिट किस किस से होता है, अगेन अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट होंगे, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट होगा, और क्रेडिट लेजर अपना क्रेडिट कम होने से डेबिट होता है, ऐसे कैश कम होने से डेबिट होता है। अब ये क्रेडिट किससे होते हैं जी, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये क्रेडिट होगा, बट उसमें रिवर्स है, उसमें क्या होता है, उसमें अगर तुम्हें ITC मिलेगा तो क्रेडिट होगा, कैश बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा जी। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है लेजर में, तुम्हें वो सही करनी है तो GST PMT 04, ये तुम्हें फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, अगर तुम्हें कोई मिस्टेक सही करनी है, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब बताओ तीन लेजर क्लियर हो गई, कौन कौन सी लेजर है, लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। बात सुनिए, अरे लाइबिलिटी है, क्रेडिट है और कैश है, लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट लेजर यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ GST फॉरवर्ड चार्ज वाला नोट रिवर्स चार्ज, और अदर लाइबिलिटी भी तुम कैश लेजर से पे करो। फिर कैश लेजर में तुम पैसे जमा करवाने के मल्टीपल तरीके हैं, तुम कैश लेजर से GST भी पे कर सकते हो, अदर ड्यूज पे कर सकते हो, कैश लेजर से तुम कुछ भी पे कर सकते हो, और कैश लेजर आपस में फ्रीली ट्रांसफरेबल, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 50, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट।
ये बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल सी बात कहता है कि भाई साहब अगर आपने जीएसटी की पेमेंट करने में डिले कर दिया, अगर आपने जीएसटी की पेमेंट करने में डिले कर दिया तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बस इतनी सी बात है। बट मेन मुद्दा निकल के आ रहा है कि ग्रोस लाइबिलिटी का लगेगा, नेट लाइबिलिटी का लगेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी है 1,00,000 फॉरवर्ड चार्ज वाली और मुझे आईटीसी लेना है 20,000, तो नेट कितना हो गया 80,000, तो इंटरेस्ट 80 पर लगेगा या 1 पर लगेगा। तो गवर्नमेंट करी वो डिपेंड करता है कि तू अब ये पेमेंट कैसे कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट के नोटिस आने से पहले तूने खुद अपनी मर्जी से पे कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले तूने पे कर दिया, तो भैया फिर तो 80 पर लगेगा, फिर लगेगा नेट पर। बट अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद तू पे कर रहा है, फिर 1,00,000 पर लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर बिफोर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करने से पहले मैंने पे कर दिया तो नेट पे लगेगा, और अगर आफ्टर पे किया तो फिर ग्रोस पे लगेगा। इतनी सी बात बस यहां पे निकल के आ रही है। और कब से लगेगा, जो तुम्हारी पेमेंट करने की ड्यू डेट है उसके अगले दिन से लेके जिस दिन तुम पेमेंट करोगे वहां, मतलब उस दिन तक लगेगा, जिस दिन तुम पेमेंट करोगे उस दिन का भी एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट और जिस दिन तुम पेमेंट करोगे उस दिन का भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। इतनी सी बात यहां पे निकल के आ रही है। अब बताओ यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लोग कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, ड्यू डेट के अगले दिन से लेकर पेमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट हमें लगेगा, और पेमेंट के दिन को भी हमें काउंट करना है, उसके दिन का भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, और अगर तुम कोई आईटीसी में डिफॉल्ट कर रहे हो, आईटीसी में डिफॉल्ट मतलब रोंगली अवेल्ड, आपने गलत अवेल कर लिया, आपने गलत यूज कर लिया, तो वहां पर पहले 24% इंटरेस्ट था, अब वहां पर भी 18% एप्लीकेबल होगा। मतलब चाहे तुम जीएसटी में डिले करो चाहे तुम आईटीसी में डिले करो, दोनों केस में 18% पर एनम का इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है, देखो यहां पे अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये रूल नंबर 86A आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, अब आपका आ जाओ सेक्शन नंबर 51। देखो दो सेक्शन हमने रिवाइज कर लिए, एक तो हमने रिवाइज कर लिया हनी, एक हमने रिवाइज कर लिया सेक्शन नंबर 50 और एक हमने रिवाइज कर लिया 51, सॉरी एक हमने रिवाइज कर लिया 49, एक हमने रिवाइज कर लिया 50। अब हम रिवाइज कर रहे हैं सेक्शन नंबर 50, अब सॉरी सेक्शन नंबर 51। 51 जो है ना वो टीडीएस का है, याद है आपको, आपने इनकम टैक्स में टीडीएस की कुछ बातें की थी कि हम अगर सैलरी पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ब्रोकरेज पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे, तो वहां पर हमें पेमेंट के टाइम पर टीडीएस काटना पड़ता है, टीडीएस के रेट अलग अलग होते हैं। अब यहां पर भी गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर भी टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लेके आई है। अब गवर्नमेंट यहां पे कहना क्या चाह रही है वो सुनो, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई साहब यहां पर भी ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के। अब अगर पहली बात तो ये करो, पहली बात ये समझो, जो जीएसटी में टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट है ना वो एप्लीकेबल तब होता है अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है नॉर्मली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, मतलब नॉर्मली अगर ये पेमेंट करने वाली है, और अगर जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के साथ अगर उसकी वैल्यू 2,50,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू पर टीडीएस कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि टीडीएस के ऊपर लिखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है जी, तो आपको थोड़ी सी बस दिमाग में अपने पॉइंट रखने हैं कि टीडीएस में क्या क्या होता है। पहली बात कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बीच और एक बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 तक है तो गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है तो पूरी की पूरी वैल्यू पर टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एक बार चेक करो, सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, किसको सप्लाई कर रहा है, देखो यहां पे रिसीवर कौन कौन है, डिडक्टर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, फिर अपना अथॉरिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट एक्ट, फिर सोसाइटी, फिर पीएसयू, मतलब चेक करो सारे के सारे नॉर्मली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। अगर ये अगर तुमने इनको सप्लाई की और ये तुम्हें पेमेंट करेंगे तो वो कह रहे हैं ये पेमेंट करेंगे टीडीएस काट के। अब अगर वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है तभी टीडीएस काटेंगे, और टीडीएस किस रेट से काटेंगे, ये टीडीएस काटेंगे 2% से। बट गवर्नमेंट करी कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन बस इतना सा है, अगर ये लोग आपस में ही गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो टीडीएस का लोनी लगेगा। एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को सर्विस दी चाहे 5,00,000 की है, टीडीएस नहीं कटेगा। एक पीएसयू ने
एक गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दी, चाहे 10 लाख की टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब अगर ये लोग आपस में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं तो टीडीएस की बातें यहां पे नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक और, फिर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये अलग है रिसीवर की लोकेशन से तो भी टीडीएस का लो नहीं लगेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, मान लो मैं सप्लायर हूं, मेरी लोकेशन प्लस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो मेरा निकल के आ रहा है, अगर ये अलग है रिसीवर की लोकेशन से तो गवर्नमेंट कह रही टीडीएस का लो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर भी टीडीएस का लो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो यहां पे 2% से घटेगा, जितना इनवॉइस उसमें से जीएसटी हटा दो, जीएसटी हटाने के बाद, क्योंकि जीएसटी पर टीडीएस नहीं कटेगा, जीएसटी हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर टीडीएस कटेगा। पेमेंट कब करनी होती है? अगले महीने के 10 तारीख को। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, सेक्शन नंबर 24 में आगे रखे, हम रिवाइज करेंगे। रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 7 में, अगले महीने के 10 तारीख को। टीडीएस सर्टिफिकेट याद करो, इनकम टैक्स के अंदर भी तो यहां पर भी जीएसटीआर 7 है विद इन 5 डेज। और अगर तुम टीडीएस नहीं काटते 18% पर एनम का इंटरेस्ट है और पेनल्टी 10,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके एप्लीकेबल हो सकती है और लेट फीस लगेगी 100 रुपए पर डे। किस केस में? अगर तुम टीडीएस सर्टिफिकेट सही टाइम पर जमा नहीं कराते तो 100 रुपए पर डे की लेट फीस है और 5,000 तक का फाइन एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें आपके टीडीएस वाले केस में निकल के आ रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। क्या बात सुन में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कल वाली क्लास जब मैं लूंगा तो कल वाली क्लास में आप बता देना। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है जी। वैसे तो अगर आप इसको सेल्फ भी कर ले तो भी तुम्हें समझ में आता है, बट मेन मैं तुम्हें क्यों करा रहा हूं, मेन सिर्फ वो 3 लेजर हमारे समझने हैं, लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। इसके अंदर तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं। अब अगला पॉइंट जो है ना, अगला पॉइंट ये टीसीएस वाला जो है। अच्छा पहले एक बार देख लो, यहाँ पे सेल प्राइस 3.5 लाख है, जीएसटी 17,500 है, तो इस पे तो टीडीएस नहीं कटेगा। 3.5 लाख पे देखो, 3.5 लाख का 2%, 7,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। तो इस तरह से बस वो तुमको ये बोल देंगे इतनी वैल्यू पे कर रहे हो, बताओ कितना टीडीएस कटेगा, जीएसटी इतने। तो गलती से भी जीएसटी एड मत कर देना, जीएसटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर टीडीएस कटेगा और पूरी वैल्यू पर, एक्सेस वैल्यू पर नहीं, पूरी वैल्यू पर टीडीएस कटेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात सुन आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब सुनो, अब एक टीसीएस वाला पॉइंट है सेक्शन नंबर 52, उसको मैं डिस्कस कराऊंगा जब मैं आरसीएम वाला टॉपिक कराऊंगा ना। अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, एक सेक्शन है 95, याद है 95, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला, कि अगर कोई गुड्स और सर्विस का सप्लायर, याद करो अगर ईसीओ के थ्रू सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, कैब की सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस, स्विगी जोमेटो, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो वहां पर मैंने कहा था कि ईसीओ जीएसटी पे करेगा और जहां ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा वहां ईसीओ टीसीएस काटेगा। तो वो टीसीएस वाली बातें वहां पे डिस्कस कर लेंगे, सेक्शन नंबर 52 51। टीडीएस वाला बस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन जाएगा सब्जेक्टिव के अंदर कम से कम भी 6 नंबर तक का जी, और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अगर खुद करोगे थोड़ा सा अच्छा है। ये मैंने रेगुलर बैच में करवाया हुआ है, अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, हमने क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं और इवन जो हमने 16 एग्जांपल स्टार्टिंग में किए थे, रेगुलर बैच की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे। अब मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ करना कैसे है। देखो जी यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या निकल गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये 10 लाख रुपए की वैल्यू है। अब अगर 10 लाख रुपए की वैल्यू है तो यहाँ पे चेक करो, वो कह रहे हैं 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 18% आईजीएसटी। तो यहाँ पे अब तुम्हारा 9% लग जाएगा, तो मतलब 10 लाख का अपना 9% निकल के आएगा, 90,000 पे सीजीएसटी देने है, 90,000 पे एसजीएसटी देने है। फिर इंटर स्टेट सप्लाई है 8 लाख की, तो 8 लाख का 18% अगर मैं देखूंगा तो 1,40,000 रुपये का आईजीएसटी। ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब याद है तुम्हें प्रेजेंटेशन में, तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे करवाई थी? अरे तुम हो ही नालायक भाई साहब, नालायक। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा था 3 स्टेप प्रेजेंटेशन है, पहले ग्रोस लाइबिलिटी निकालोगे, फिर आईटीसी निकालोगे, फिर आईटीसी को ग्रोस लाइबिलिटी में यूज करके नेट निकालोगे। ये 3 स्टेप प्रेजेंटेशन थी, याद करो नालायकों। यहां पर मैंने कहा था आईजीएसटी लिख लेना, सीजीएसटी लिख लेना, एसजीएसटी लिख लेना, फिर यहाँ पे जितना भी आईजीएसटी बना वो यहाँ पे आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे आ गया, इतना पैसा टोटल आपने देना है। तो ये पॉइंट नंबर 1 से निकल के आ गया। फिर पॉइंट नंबर 2, ये क्या जी, ये आपकी परचेज है, इससे क्या निकल के आएगा, आईटीसी। क्या निकल के आएगा इससे, आईटीसी निकल के आएगा। अब देखो इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इंट्रा स्टेट परचेज है तो 9% 27,000 पे सीजीएसटी, 27,000 पे एसजीएसटी लेना है।
इंटर स्टेट परचेज है, अब इंटर स्टेट परचेज है 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए का 18% ये आईजीएसटी मुझे गवर्नमेंट से लेना है, या आईजीएसटी मुझे गवर्नमेंट से लेना है। और ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा मुझे पहले से गवर्नमेंट से लेना है। तो जो अब का लेना है उसमें पहले वाला जोड़ दोगे तो तुम्हारा टोटल अमाउंट यहां पे निकल के आ जाएगा जी। अब एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या है, आपको दिखाता हूं प्रेजेंटेशन। देखो पहले आउटपुट टैक्स पेबल कर दिया 90, 90, 144, ये निकल के आ गया आपका टोटल। फिर निकाल दिया अपने आईटीसी, अब देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, इतना पैसा आपने पहले का लेना है। फिर इस बार का बनता है 27, 27 और आईजीएसटी 45, तो टोटल इतना पैसा आपने लेना है, इतना पैसा आपने लेना है जी। अब बताओ सबसे पहले हत्या किसकी करूंगा, सबसे पहले हत्या करूंगा 185। अब देखो यहां पर जी, यहां पे आपका जीएसटी इतना है, 90 इतना है, यहां पे 144 है। अब पहले आईजीएसटी, तो आईजीएसटी 144 से 144 खत्म हो गया, आपने खत्म कर दिया। अब 144, अब तुम्हें लेने कितने हैं 185, तो 185 से 144 चले गए, तो नेट तुम्हें 41,000 पे और लेने हैं, 41,000 लेने हैं। अब इस 41,000 को तुम यूज कैसे करोगे, तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3,000 पे यहां पे यूज कर लिया, 38,000 पे यहां पे यूज कर लिया, तुम जैसे मर्जी कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां पे अगर 41,000 बचे हैं, 41 तुम यहां यूज कर लो, यहां पे कुछ मत करो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि आईजीएसटी फर्स्ट, आईजीएसटी सेकंड कैसे भी कर लो। इन्होंने क्या किया, 3 यहां किए, 38 यहां पे किए, और फिर बाद में इन्होंने क्या यूज कर लिया, जो इनके खुद के बैलेंस थे, चेक करो इनके खुद, देखो 52,000 पे सीजीएसटी अपना उठा लिया और 87 एसजीएसटी, तो लाइबिलिटी कितनी बन रही है, लाइबिलिटी यहां पे आपका, यहां पे लाइबिलिटी बन रही है नील, तो लाइबिलिटी नील बन रही है, और 32,000 सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर तुम्हें एसजीएसटी भी बचाना है बचा सकते हो, ये मत कहना कि सर इन्होंने ऐसा क्यों किया। याद करो मैं तुम्हें क्लास के अंदर भी कहा था कि ये चेंज तुम एजम्पशन लिख के आओगे तो चेंज हो सकता है, मतलब इन्होंने ऐसे किया है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम चाहे यहां पे 3 कर लें, 38 यहां पे कर लें, या 41,000 है तो याद करो मैंने क्लास में आपको 20,500 करवाया था, तो 20,500 यहां कर लो, 20,500 यहां कर लो, फिर अपना सीजीएसटी एसजीएसटी खत्म कर लो, फिर लाइबिलिटी बैलेंस बचा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है, बट ये कैलकुलेशन वेरी कर सकती है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे करना तो वैसे करो, अगर नहीं दिया तो जैसे तुम्हारा मन करता है जीएसटी के बाद वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्या मेरी बात समझ में निकल के आ रही है जी? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, कई बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ा क्या किया है, सिंपल सी कैलकुलेशन है नालायक बच्चों, ये सेल है, देखो सेल है, सेल से निकल के आएगा कितना जीएसटी देना है, परचेज से क्या निकल करेगा, इतना जीएसटी लेना है, तो ये लेना है, ये पहले का लेना है, टोटल कर लो दोनों को। अब कितना लेना है वो पता लग गया, कितना देना है वो पता लग गया, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में नहीं किए, क्या देने को लेने से एडजस्ट हमने नहीं किया, तो बस वही तो किया है। और मेरे को याद है प्रेजेंटेशन में तुम्हें स्टार्टिंग में करवाई भी थी जी, तो वही किया जी, आप एक बार देख लेना इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनेंगे, और बाकी जो बनेंगे वो थ्योरी बेस्ड बनेंगे या प्रोविजन बेस्ड बनेंगे, प्रैक्टिकल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जाके पेमेंट के चैप्टर की एक बार हमारी रिवीजन खत्म हो जाती है, डन लॉक कर दूं। अब मैं तुम्हें 2 मिनट लेके, 2 मिनट और लगा के फटाफट से बता रहा हूं मैंने क्या किया। देखो 3 सेक्शन किए, 49, 50, 51, 52 करेंगे सेक्शन नंबर 9 के अंदर, आरसीएम के अंदर। 49 में 3 लेजर होती हैं, लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। लाइबिलिटी में टोटल लाइबिलिटीज होती हैं, चाहे वो जीएसटी की हो, इंटरेस्ट की हो, पेनल्टी की हो। अब क्रेडिट में क्रेडिट होता है, और जब हम क्रेडिट यूज करते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, फॉरवर्ड चार्ज वाला, नॉट रिवर्स चार्ज वाला। अगर रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, तो वो तुम यूज करोगे कैश लेजर। वो तुम कहाँ यूज करोगे? कैश लेजर। और फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, तो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर क्रेडिट होगा, जब कम होगा तो वो डेबिट होगा। लाइबिलिटीज के रिवर्स है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी लेजर जीएसटी पीएमटी 01, क्रेडिट 02 और कैश 05 और पेमेंट चलान 06। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी गलती है तो सही करने के लिए 04। और फिर एक आ रहा है जीएसटी पीएमटी 09, कैश लेजर वाले बैलेंस आपस में तुम कैसे भी सेट ऑफ कर सकते हो। अगर तुमने पेमेंट करने में डिले कर दिया, 18% इंटरेस्ट है, आईटीसी वाले केस के अंदर भी सेम है। अगर तुमने डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले पे कर दिया तो फिर नेट लाइबिलिटी का इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद क्या था ग्रोस लाइबिलिटी का लगेगा।
फिर टीडीएस वाले केस में अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट तुम्हें पेमेंट कर रही है 2.5 लाख से ऊपर, तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी 2% से और जमा करवा देगी अगले महीने की 10 तारीख से पहले जीएसटीआर 7 फॉर्म नंबर 7A टीडीएस के सर्टिफिकेट का है। फिर अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो जीएसटी टीडीएस काटना है वो ग्रोस वैल्यू पर काटना है, एक्सेस पर नहीं काटना। फिर कुछ केस में टीडीएस नहीं कटेगा अगर मतलब वो जो 6 लोग हैं गवर्नमेंट के अगर वो आपस में गुड्स और सर्विस की लेन देन कर रहे हैं टीडीएस नहीं कटेगा। फिर एक और पॉइंट है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर डिफरेंट है रिसीवर के लोकेशन से टीडीएस नहीं कटेगा। बस यही बातें हमने यहां पे की हैं। और एक रूल नंबर 86 भी, अगर तुम्हारी मंथली सेल 50 लाख से ऊपर है, तुम्हारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, तुम यूज कर सकते हो बट गवर्नमेंट करी हम यूज नहीं करने देंगे, 99% कर सकते हो लाइबिलिटी का, 1% तुम्हें कैश में देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा इनकम टैक्स 1 लाख से ऊपर पे कर रहे हो तुम, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। तुम्हें रिफंड मिला 1 लाख से ऊपर का तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या अगर ऑलरेडी तुम 1% है उससे ऊपर कैश में पे कर चुके हो तो भी गवर्नमेंट कह रही कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये आपने हमने रूल नंबर 86 बी में डिस्कस किया था, अब जाके हमने कंप्लीट कर लिया। अगर थोड़ा स्पीड फास्ट लगी थोड़ा स्लो करके सुन लेना, एक्चुअल में मेरी आवाज़ भी कुछ तुम्हें कम लग रही होगी, तो मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, बट गला बैठा है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, रिविज़न लेनी है तो लेनी है, तो थोड़ा स्पीड स्लो करके भी आप सुन सकते हो, ठीक है। चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा मैंने तुम्हें दिखा दिया, इस तरह वाला क्वेश्चन बनता है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे अब कल वाली क्लास में रात को 9 बजे, और कल हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे वैल्यूएशन। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया करो कैसे हैं तुम, एक क्लास के बाद नालायक हो जाते हो वैसे, बच्चा कह रहा है डेली डेली कमेंट करके करें क्या। सर डेली डेली कमेंट करके तुम्हें नहीं पता, कई बार जब बच्चा नया आता है वो देखता है रिवीजन क्लास, देखो ना देखो, जब तुम्हारे कमेंट पढ़ता है कि नहीं रिवीजन क्लास अच्छी है, तो आपको नहीं पता ना, वो देखता है उसको अच्छी लगती है तो वो दुआएं ये जरूर देता है कि भैया तुम्हारा मैसेज पढ़ के मैंने रिवीजन क्लास देखी थी और मुझे फ़ायदा हुआ। तो एक मैसेज बहुत सारे बच्चों की हेल्प करता है, वो आपके लिए एक मैसेज होगा, मैंने पहले भी कहा, बट वो मेरे लिए एक मैसेज नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल 9 बजे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय जी।